वह हर देश की यात्रा करने वाली पहली काले महिला बनने की कोशिश कर रही है। कुछ लोग उच्चतम कूदकर या सबसे तेज दौड़कर रिकॉर्ड सेट करते हैं, लेकिन जेसिका नाबोगो के लिए संयुक्त राष्ट्र के एक कर्मचारी ने ब्लॉग यात्रा की। पृथ्वी पर हर देश की यात्रा करने वाली पहली ब्लैक महिला बनने के लिए सिर्फ एक रिकॉर्ड बुक में उसका नाम नहीं मिला। यह महिलाओं और रंगों के लोगों के लिए रास्ता तय करने के बारे में है। वहीं नाबोगो का जन्म डेट्रॉइट में युगांडा के माता पिता के लिए हुआ था और दो पासपोर्ट रखे थे। हालांकि उन्हें लगा कि वह कॉलेज के बाद एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में 6 आंकड़े नौकरी लैंड करके और मोटर सिटी में अपनी जगह खरीदने के बाद अमेरिकी सपने हासिल कर लेती थी, लेकिन काम उसे संतुष्ट नहीं करता था। उसने पैसा बनाने के लिए अपना कोंडो किराए पर लेना शुरू किया, फिर सड़क पर मारा पहला जापान में अंग्रेजी पढ़ाना, फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में स्नातक स्कूल। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र में नौकरी के बाद उसे बेनिन और फिर इटाली ले गया, लेकिन वह यात्रा बग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। लेकिन बस टिकट का भुगतान करने में सक्षम होने का मतलब यह नहीं है कि यात्रा आसान या निर्बाध है। दुनिया भर में यात्रा करने वाले नाबोगो के अनुभवों में से कई यात्राओं को यात्रा करने वाले ब्रांडों को स्थानीय की तरह जीना होता है, जो कपड़े को बदलकर या कॉफी को एक निश्चित तरीके से व्यवस्थित करके कहीं भी सहजता से मिश्रण करने में सक्षम होते हैं। अक्सर भीड़ में रंग के एकमात्र व्यक्ति के रूप में वह बाहर खड़ा था कि वह चाहे या नहीं चाहता था। नाबोगो में भी अंधेरा त्वचा है और उसके सिर को हिलाता है। आज तक लगभग 150 ज्ञात लोग हैं जो हर देश में हैं, जिनमें से अधिकांश यूरोपीय पासपोर्ट पर यात्रा करने वाले श्वेत पुरुष हैं, जिनके पास अधिक जगहों पर मिश्रण करने का विकल्प है। अप्रैल 2018 तक संयुक्त राष्ट्र में 193 मान्यता प्राप्त देश थे, साथ ही दो गैर पर्यवेक्षक स्थिति के साथ। चूंकि उसने 2016 में अपनी परियोजना शुरू की थी, इसलिए नाबोगो उनमें से 109 हो गया है। उनका लक्ष्य 2018 के अंत तक 172 तक पहुंचना है और शेष देशों में ग्रीष्मकालीन 209 तक पहुंचना है। उत्तरी कोरिया और ईरान, जो अक्सर अमेरिकी यात्रियों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होते हैं, वे दो हैं जहां वह अपने युगांडा पासपोर्ट का उपयोग करने की योजना बना रही है। अब तक उनके पासपोर्टों में नाइजीरिया, क्यूबा, तुर्की और लाओस के रूप में दूर दराज के स्थानों से टिकट हैं। नाबोगो अपनी यात्रा आदत को कुछ तरीकों का समर्थन करता है। उन्होंने जेटब्लैक नामक एक कंपनी की स्थापना की, जो अफ्रीका में छोटे समूह यात्राओं के लिए कस्टम यात्रा कार्यक्रम आयोजित करता है। साथ ही ब्रांडेड टी शर्ट और पासपोर्ट कवर जैसे यात्रा गियर बेचता है। एक प्रभावशाली के रूप में वह होटल और आतिथ्य ब्रांड के साथ काम करती है, जिनमें से कुछ सोशल मीडिया पोस्ट के बदले में मुफ्त में रहती हैं। वह गोफिन में पेज पर दान स्वीकार करती है। नाबोगो ने कहा, एक महिला के रूप में दुनिया को नेविगेट करना बहुत मुश्किल हो सकता है। मेरे पास अनुभवों की एक विस्तृत श्रृंखला है। मुझ पर एक वेश्या होने का आरोप लगाया गया है। मैंने पहले पुरुषों का पीछा किया था। मुझे सड़क पर हमला किया गया है। एक विशेष रूप से भयानक घटना में एक ड्राइवर फिक्सर नाबोगो काम कर रहा था और उसे भरोसा करने के लिए उगाया गया था। उसे हवाई अड्डे पर जाने के लिए उसे लेने के ठीक पहले उसे ईस्ट नंगा में आमंत्रित किया गया था। यह ऐसा कुछ है जिसे किसी व्यक्ति को कभी निपटना नहीं होगा, और एक आत्मनिर्भर अफ्रीकी होने के बावजूद इसका मतलब यह नहीं था कि नाबोगो अफ्रीका के चारों ओर यात्रा करते समय सब कुछ चिकना नौकायन था। कुछ बार उसने निराशा में देखा, क्योंकि उसे सफेद पर्यटकों के पीछे इंतजार करने के लिए मजबूर होना
पड़ा था या सीमाओं को पार करने के लिए रिश्वत देने के लिए मजबूर होना पड़ा था जो उसके लिए खुला होना चाहिए था। दक्षिण अफ्रीका में जिस भेदभाव का सामना करना पड़ा वह हास्यास्पद था, न केवल सफेद दक्षिण अफ्रीकी से जो कई उम्मीद करेंगे, बल्कि काले दक्षिण अफ्रीका से भी। हालांकि कुछ देश दूसरों की तुलना में बेहतर थे, सेनेगल। यह आश्चर्यजनक है, आप उन्हें अफ्रीकी लोगों पर सफेद लोगों को विशेषाधिकार नहीं देखते हैं, वे सभी को समान मानते हैं, खाना में भी। दुनिया को देखने की चुनौती को जोड़ना तथ्य यह है कि नाबोंगो अक्सर अकेले यात्रा करता है, वह आमतौर पर होटलों के लिए एबब्स को छोड़ देती है, जहां वह 24 घंटे की फ्रंट डेस्क पर अपनी भावना को सुरक्षित रखने के लिए भरोसा कर सकती है। वह संभव होने पर अनुभव साझा करने के लिए दोस्तों को लाने के लिए पसंद करती है। कभी कभी हालांकि टेबल चालू हो जाते हैं और नाबोंगो खुद को अमेरिकियों की तरफ से विदेश में बोलते हैं, यह उन देशों में विशेष रूप से संभव है जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के खिलाफ अपने नागरिकों को चेतावनी दी है या बंदूक हिंसा के बारे में चिंताएं हैं। जब मैं विदेश में रहा हूं, तो मैंने लोगों से पूछा है कि अमेरिका विशेष रूप से रंग के लोगों के लिए कितना सुरक्षित है, नाबोंगो कहते हैं। और आप जानते हैं, मुझे उन्हें बताना है, हाँ, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में आपके लिए एक बड़ा जोखिम है, लेकिन फिर ग्रामीण इलाकों में भी, क्योंकि आप अल्पसंख्यक हैं, नेविगेट करना एक बहुत ही अजीब और मुश्किल बात है। फिर भी उन टिप्पणियों और प्रश्नों जैसे कि केवल नाबोंगो के काम के महत्व पर जोर देते हैं, हालांकि वह एक कार्यकर्ता के रूप में नहीं पहचानती है, कभी कभी उसकी उपस्थिति एक अंतर बनाने के लिए पर्याप्त होती है या किसी व्यक्ति को चीजों को अलग अलग देखने का कारण बनती है। यह रंग की कई महिलाओं द्वारा प्रतिबिंबित एक आम भावना है, बस आपको उन्हें एक बयान है।